पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया गया विजय जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट में काफी फोकस रखा है? नहीं, बहुत ज्यादा है। क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा था? नहीं नहीं, ड्रामा नहीं है, ये तो हकीकत है, दिखने में ही सब पता चल रहा है। अगर पिछली सरकार सपा को देखा जाए और भाजपा की, कुछ मुद्दों में डिफरेंस आया? जी, बहुत डिफरेंस आया है। जैसे कि आजकल मतलब उन सरकारों में ऐसा नहीं था कि रोड भी इतने अच्छे नहीं थे और चलने वाले की व्यवस्था भी नहीं थी अच्छा। अब तो ऐसा होगा कि चलने वाले के लिए साधन भी अच्छे हो जाएंगे और राशन भी मतलब एक दूसरे से अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं था कि कभी, ऐसा हमने देखा भी नहीं रियल में। अब की जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यही चाहते थे, अच्छा है। तो आपको लगता है कि लोगों का आने जाने का जो सावधान है वो बढ़ गया है इसके आने से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर अगर पिछली सरकारों में देखें तो पूर्वांचल में, पूर्वांचल के इलाकों में, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहलाया जाएगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 22,000 करोड़ की लागत से पूरा एक्सप्रेस वे बना है 340 किलोमीटर का, तो आपको लगता है कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल पर उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था? जी नहीं किया, उतना किया होता तो उनकी राज में बन गया होता। अगर हम देखें भाजपा और सपा में या कांग्रेस आ रही है, प्रियंका गांधी भी आ रही है, क्या लग रहा है कि कौन आगे चल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा। अच्छा, क्यों? मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा।